तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 15.1 स्टैट्स की, और उसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो हमें पूरी एक्सरसाइज के बारे में जानकारी दे दें। ये किस चीज़ पे बेस्ड है? ये पूरा चैप्टर ही मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे बेस्ड है। और हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन सा लगाने वाले हैं? मीन डिवेशन अबाउट मीन या मीन डिवेशन अबाउट मीडियन, यही बातें इस एक्सरसाइज में है जो 8-10 सवाल हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बोलता है कि ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पहला दूसरा एक जैसा है बिल्कुल। फाइंड मीन डिवेशन अबाउट मीन, एक डाटा दिया हुआ है आपको। ये ग्रुप डाटा है कि इन ग्रुप से होता है? ये अनग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी आती है, तो ये अनग्रुप डाटा दिया हुआ है। और कितने ऑब्जर्वेशन हैं? 10। और बोला है कि मीन डिवेशन निकाल दो अबाउट मीन, ठीक है। तो मीन डिवेशन अबाउट मीन क्यों निकालना चाहते हैं? हमें जानना चाहते हैं कि वेरिएबिलिटी कितनी है। तो निकालने का तरीका क्या? हमें फार्मूला मालूम है मीन डिवेशन अबाउट मीन निकालने का, समेशन सिग्मा एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। व्हाट इज एक्स बार? मीन। तो पहले में मीन चाहिए, तो एक्स बार या मीन निकालने का तरीका हम जानते हैं, सम ऑफ टर्म्स, इन सारों को जोड़ दीजिए 500 आएगा, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स, कितने? 10। तो 500 डिवाइडेड बाई 10 50 आ गया। 50 क्या है? 50 मीन है। टेबल बनाते हैं स्टैट्स में हम लोग जिससे क्लैरिटी रहे। एक्स आई की वैल्यू लिखी, ये एक्स आई है 38, 70, 40, 80 डाटा है ना, तो ये एक्स आई की वैल्यू हो गई, सारी लिख दी दसों के दसों। और यहाँ अगला एक कॉलम बनाया जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चल रहे हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक्स आई की वैल्यू कितनी है? 38, और एक्स बार कितना है? 50। यहाँ पर एक्स बार कितना है? 50, ठीक है। तो 38 माइनस 50 एब्सोल्यूट वैल्यू है, नेगेटिव साइन हट जाएगा, केवल प्लस लेना है 12। अगले में जाएंगे तो 70 माइनस 50 20, इस तरह घटा घटा के सब लिख डाली। और लिखने के बाद हमने एक्स आई को जोड़ा तो 500 आया, वहां यूज किया था, और यहां पर एक्स आई माइनस एक्स बार का एब्सोल्यूट वैल्यू लिया, सम किया, तो ये वैल्यू 84 आ गई। समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, यहां पर ही वैल्यू फीट करनी, एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू 84, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 10। तो 84 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 8.4, एंड दिस इज अवर आंसर। ये क्या है? मीन डिवेशन अबाउट मीन, ये वैल्यू हमारी निकल आई, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो मीन डिवेशन अबाउट मीडियन बोलता है, ठीक है। अब देखिए हमको जो निकालना है ना, वो निकालना फाइंड मीन डिवेशन अबाउट मीडियन। तो मीन डिवेशन अबाउट मीडियन निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, मीन डिवेशन अबाउट ब्रैकेट में एम लिख देते हैं, एम फॉर मीडियम, मीडियन, और वैल्यू क्या आएगी? समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार की जगह मीडियन अपॉन एन, ये फॉर्मूला लगाना है। तो पहली बात ये कि मीडियन पता तो हो, तो डिस्क्रीट डाटा की, अनग्रुप डाटा का मीडियन कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहला काम क्या कर लें? हाँ बिल्कुल, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें पहले इसको, असेंडिंग या डिसेंडिंग, हम असेंडिंग पकड़ते हैं, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू करते हैं। तो जरा बताइए तो कैसे लिखें? सबसे छोटा कौन सा? फिर अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये हमने लिखा हुआ फाइंड मीन डिवेशन अबाउट मीडियन, एक फिगर दे रखी थी हमारे पास, मीडियन निकालना पड़ेगा और ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपने को। तो मीडियन निकालने के लिए फॉर अनग्रुप डाटा क्या इस्तेमाल करते थे? पहले हम देखते थे इनको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते थे, असेंडिंग या डिसेंडिंग जो आप चाहें। हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। कितने ऑब्जर्वेशन है? हमने देखा यहाँ पर 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन है। आपको याद होगा अनग्रुप डाटा के लिए अगर इवन ऑब्जर्वेशन मिलते हैं तो हमें एवरेज लेना पड़ता था, वरना एवरेज नहीं लेना पड़ता। तो 10 ऑब्जर्वेशन आ गए तो मीडियन क्या निकलेगा? n बाई 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, इन दोनों का मीन। तो ये 10 है, n की वैल्यू 10 है, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन का मीन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचवा ऑब्जर्वेशन। छठा कौन सा है इसके बाद वाला? तो 46 प्लस 49 अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई 47.5। ये क्या है हमारा? ये मीडियन है हमारा। अब अगर ये मीडियन मिल गया, m की वैल्यू 47.5, तो अब ये हमें एक्स आई माइनस एम एब्सोल्यूट साइन में चाहिए। तो ये देखिए एक निकाल के दिखा दिया, बाकी आप निकाल सकते हैं। एक्स आई की वैल्यू 36 और m कितना है? 47.5। मॉडुलस में हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और 11.5। इसी तरह सबका निकाल लिया और ये सारी वैल्यूज लिख दी।
इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 70। अब जो फॉर्मूला था ये, इस फॉर्मूले में एक्स आई माइनस एम ये वैल्यू समेशन कितनी आई 70, एन कितना है 10, डिवाइड किया आंसर 7 आ गया, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से मीन डिवेशन अबाउट मीडियन आप निकाल सकते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम लोग देखते हैं, बिल्कुल सीधे क्वेश्चंस रहते हैं, आपको केवल वर्किंग करनी है इसमें। देखिए क्या बोला, फाइंड मीन डिवेशन अबाउट मीन। जो डाटा हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एक्स आई दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ है, बाकी टेबल बनाई गई है, ठीक है। एक्स आई एफ आई दिया गया है, हमें फॉर्मूला मालूम है, ये जो डाटा है ये ग्रुप डाटा है, फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर। ग्रुप डाटा के लिए हमारा 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 मीन डिवेशन अबाउट मीन क्या फॉर्मूला होल्ड करता है, मीन डिवेशन अबाउट मीन समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेशन एफ आई, ये फॉर्मूला होल्ड करता है। तो इस फॉर्मूले में हमें एक तो मीन निकालना ही पड़ेगा और दूसरा एफ आई इंटू ये टर्म लाना पड़ेगा। तो शुरू किया टेबल बनाना, क्योंकि हमको क्या मीन निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है ये समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, तो एक एक कॉलम चाहिए हमें एफ आई एक्स आई का, तो एफ आई एक्स आई का एक कॉलम बना लिया। एफ आई इंटू एक्स आई का मतलब एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 4 × 10 = 40, 24 × 30 = 720, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके सबको लिख लिया और इनको ऐड कर लिया। समेशन का मतलब जोड़ना, इनको जोड़ के लिखा 4000 वैल्यू आ गई और फ्रीक्वेंसीज को सम किया तो 80 वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज से हम इसका मीन निकाल सकते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई कितना हुआ 4000, समेशन एफ आई कितना हुआ 80। अब 4000 को 80 से डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 50। तो हमारा मीन तो पता चल गया, ये मीन क्या है एक्स बार, वी नो द एक्स बार इज 50। अब अगला जो कॉलम बनाते हैं, एक्स बार 50 पता चल चुका है, वो कॉलम है एक्स आई माइनस एक्स बार का, एब्सोल्यूट साइन के साथ में, है ना शिखर। अब शुरू किया एक्स आई कितना था ये 10 और 50 मीन, तो 10 माइनस 50, 10 यहां 50 यहां, मॉडुलस साइन के अंदर रख दिया, इसकी वैल्यू 40 आ गई। इसी तरीके से बाकी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर डाली, 40 20 0 20 40 मिल गई, ठीक। अब अगले हमें टर्मोलॉजी चाहिए, टर्म चाहिए एफ आई इंटू मॉडुलस में एक्स आई माइनस बार एक्स बार, तो ये हमने अगला स्टेप बना लिया कॉलम, तो एफ आई को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो एफ आई 4 है, तो 4 × 40 = 160, 24 × 20 = 480, ये वैल्यू लिख ली और इनका समेशन निकाल लिया जोड़, जो कि आ गया 1280। अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, ये कितनी वैल्यू है 1280 और समेशन एफ आई कितना है 80, काट लीजिए वैल्यू आंसर आ गया 16 आंसर आ गया, 16 इसका हो गया मीन डिवेशन अबाउट मीन। इस तरह से आप निकाल लीजिए फ्लैट, ठीक है। अब ऐसे ही एक अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो मीन डिवेशन अबाउट मीडियन पूछा है, तो उस मीडियन को भी करते हैं, क्योंकि मीडियन निकालने का सिस्टम भूल गए होंगे आप, जो क्लास 10 में पढ़ा है, सब नहीं भूले होंगे, ज्यादातर लोग भूल गए होंगे, तो वो यातायात हो जाएगी वहां से, ठीक है। अगला देखते हैं, तो चलिए देखते हैं, ये फाइंड मीन डिवेशन अबाउट मीडियन है, ये ग्रुप डाटा है, लेकिन ग्रुप डाटा में डिस्क्रीट ग्रुप डाटा है, क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा नहीं है, ठीक। तो ये एक्स आई और एफ आई हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था और ये टेबल हम लोगों ने बनाई है, तो एक्स आई एफ आई लिख लिया हम लोगों ने। हमें मालूम है कि जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पर वो समेशन एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन समेशन एफ आई, तो हमें पहले तो मीडियन पता करना है, अगर मीडियन पता करना है तो फ्रीक्वेंसी ग्रुप डाटा में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली, कैसे बनाते हैं 3 × 3 और अगले में 3 + 5 = 8, फिर इन तीनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया, या शॉर्टकट के लिए 8 तो यहाँ तक का जोड़ था ही, 8 में 6 जोड़ा 14, 14 में 7 जोड़ा 21, 21 में 8 जोड़ा 29, जल्दी करने के लिए ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यहाँ पर हमने देखा एन समेशन एफ आई कितना है, इसको सम किया 29 आ गया, जो कि एक ऑड नंबर है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर ऑड नंबर है तो हमको एन प्लस वन अपॉन टूएथ ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा, जो कि मीडियन कहलाएगा, ठीक। एन प्लस वन अपॉन टूएथ किया तो 29 प्लस वन अपॉन टू यानी 50th ऑब्जर्वेशन, 15वां ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि 15वां ऑब्जर्वेशन कहाँ आएगा,
14 तक तो यहाँ तक था, तो 15 इसमें आएगा ये, तो हमारा मीडियन क्लास कौन सा बना है ये, तो इसके लिए मीडियन होगा कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू मीडियन हो जाएगी एक्स आई की वैल्यू, ठीक है ना। 15 ऑब्जर्वेशन 14 से ऊपर है इसके अंदर पड़ेगा, और ये हमारा मीडियन क्लास है और एक्स आई की वैल्यू यानी एम जो हो गया 30 हो गया, ठीक। अब एम की वैल्यू 30 निकाल ली, तो अब इसकी वर्किंग शुरू करते हैं। ये हमें एक्स आई माइनस एम, यहां पर एम एक बार लिख लीजिए जैसे आप भूले ना, टीचर को भी याद रहे कि आपने वर्किंग की हुई है। एक्स आई मतलब 15 में से 30 घटाया, एब्सोल्यूट वैल्यू 15, सारी वैल्यू इस तरह घटा घटा के लिख ली हमने। अब हमें चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम, एम मतलब मीडियन, तो एफ आई से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 15 इंटू 15 कहाँ गया, ये 3 इंटू 15 45, फिर 5 इंटू 9 45 सारी वैल्यूज, और इनको सम कर लिया, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एम इज इक्वल टू 148। अब इसके बाद सिंपल फॉर्मूला लगाना है, 148 ऊपर ये वैल्यू और समेशन एफ आई कितनी 29, नीचे 29 डाली, 148 को 29 से डिवाइड कर दीजिए, क्या वैल्यू मिलेगी 5.1, और यही हमारा आंसर हो गया। तो मीन डिविएशन अबाउट मीडियन कितना आया 5.1। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस किए थे वो थे अनग्रुप डाटा, ये ग्रुप्ड है लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट ग्रुप डाटा है। अब ऐसा क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा हो, क्लास इंटरवल आ जाए इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें सारी वर्किंग करना है, मेथड आपको मालूम रहता है, थोड़ी सी वर्किंग रहती है टेबल बनाने में। फाइंड मीन डिविएशन अबाउट मीन, ये क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें हमको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्वेश्चन में, ये दो चीज़ें गिवन है, बाकी हम लोगों ने टेबल बनाई है। अभी देखिए 95 से 105 और फ्रीक्वेंसी 9, इसी तरीके से पूरी चीज़ दे रखी है। इस फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे, समेशन एफ आई जो कि 100 के बराबर होगा। आपको मालूम है कि मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए हमको पहले तो मीन चाहिए और फिर ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा मीन कैसे निकलता है, ये शॉर्टकट मेथड यूज किया गया है, एज्यूम मीन मेथड। तो ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, मीन निकालने का 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था ये हम लोगों ने। तो ये एज्यूम्ड मीन रहता है और नॉर्मली इसमें कि बीच की वैल्यू लेते हैं। वैसे आप कोई भी वैल्यू लेंगे, अपने मन से भी ले लेंगे तो सही आएगा, इसको लेने का पर्पज है कैलकुलेशन इजी करना। तो इसके बीच में ये 5 वैल्यू दिख रही हैं, तो हम ये 120 130 में से कोई पकड़ लेते हैं, हमने यहाँ पर 130 पकड़ ली है, ठीक है। आपका मन करे 120 पकड़ लीजिए, आपका मन करे तो 150 पकड़ लीजिए, जो 150 का जो चाहे पकड़ लीजिए, गलत नहीं होता है, वह एडजस्ट हो जाती है वैल्यू। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 130 हो गई हमारी। एच क्या होता है, क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल जो कि 10 की है, ठीक। और एक्स आई आपको पता है ये वैल्यू हो गई एक्स आई, इसकी मिड वैल्यूज 95 105 की मिड वैल्यू 100, दिस इज एक्स आई, ए ये है एच ये है, ठीक। अब यहाँ पर ये मिड वैल्यू आपने निकाल ली सारी और इससे डी आई कैलकुलेट कर लिया इस फॉर्मूले से, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एक करके देख लेते हैं। एक्स आई की वैल्यू थी 100, ए था 130, तो 100 माइनस 130 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3, इसी तरह सारा कैलकुलेशन कर लिया हम लोगों ने। अब ये वैल्यू हमको मिल गई तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, ए था 130, समेशन एफ आई डी आई, ये समेशन एफ आई डी आई यहाँ से मिलेगा, फ्रीक्वेंसी और डी आई को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, माइनस 47, ये वैल्यू माइनस 47 आ गई ऊपर वाली। समेशन एफ आई कितनी है 100, ये 100 आ गई। एच कितनी है 10, कैलकुलेट किया मीन आ गया 125.3। तो यहाँ पर मीन यानी एक्स बार आप लिख लीजिए जैसे आप भूले ना, कैलकुलेट तो यही करना पड़ेगा, ये लिख लिया आपने। अब एक्स आई में एक्स बार घटाना शुरू कर दीजिए, 100 में से 125.3 घटाया मॉडुलस साइन के अंतर्गत, तो आपको सारी वैल्यूज प्लस ही मिलनी है, 25.3 आ गई। इसी तरीके से बाकी कैलकुलेशन कर लिया, अगले कैलकुलेशन में इसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर देना है, क्यों, क्योंकि ये हमें चाहिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाते वक्त। तो एफ आई को मल्टीप्लाई कर दिया हमने एक्स आई माइनस एक्स बार से, ये रहा एफ आई और ये रहा एक्स आई माइनस एक्स बार, तो ये 9 × 25.3 ये वैल्यू आ जाएगी 227.7। इसी तरह सबको मल्टीप्लाई करके इधर लिख लिया और इसका समेशन भी निकाल लिया, ये समेशन किसका है,
एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का, ठीक है, और ये वैल्यू पुट कर दी, देखिए 1128.8 समेशन एफ आई 100 था वहां से, ये 100 कैलकुलेट किया, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आंसर बना लेते हैं, ठीक है। अब एक सवाल इसका और है जो मीडियन के ऊपर है, लास्ट सवाल, और उसमें क्या स्पेशलिटी है कि क्वेश्चन नंबर 12 में जहां तक कि ये कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिसकॉन्टिन्यूअस है, टूट जाता है, उसको कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा हमको, तो उस क्वेश्चन को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 को थोड़ा हम लोग देखते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको बोला है कैलकुलेट द मीन डिविएशन अबाउट मीडियन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 100% गिवन बिलो, इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है। पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, केवल दो स्टेप्स लिखे हैं, बाकी आप देख सकते हैं, यहाँ तो डाटा गिवन ही है। तो यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ क्या है कि ये जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, 16 से 20 है, फिर ये 20 से नहीं स्टार्ट है, 21 से स्टार्ट है, तो ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिसकॉन्टिन्यूअस, आप जानते हैं टेंथ में पढ़ा है। तो इस डिसकॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ता है, कैसे बनाते हैं, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को इसमें ऐड करते हैं, इसमें घटाते हैं, लोअर लिमिट में घटा देते हैं, अपर लिमिट में जोड़ देते हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 121 माइनस 21, 1 का आधा 0.5, 21 में घटा दीजिए और 0.5 20 में जोड़ दीजिए, सबके साथ ऐसा कर दीजिए, तो हमने क्लास इंटरवल बना दिए ऐसे, तो 16 में 0.5 घटाया तो 15.5 बन गया, 20 में 0.5 जोड़ा तो 20.5 बन गया, अगले में फिर घटाया ये 25 में जोड़ा 25.5। अब देखिए ये कॉन्टिन्यूअस है 15.5 टू 20.5, और फिर शुरू हो रहा है 20.5 से लेके 25.5, इस तरह से सारे बना लिए। ये हमने डिसकॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज कर दिया। ये मेथोडोलॉजी होती है चेंज करने की, आप लोग कर चुके हैं, याद दिला रहे केवल। और ये एफ आई हमको दे ही रखा था यहाँ पर नीचे 5, 6, 12 वगैरह वगैरह। अब क्योंकि मीडियन की बात है तो मीडियन का रिश्ता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से होता है, तो एक टेबल हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी बना ली, और फ्रीक्वेंसी जोड़ के समेशन 100 आ गया उसका। अब देखिए मीडियन निकालने की बात आती है हमारे सामने, तो मीडियन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला ये होता था, टेंथ क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ये फॉर्मूला एल प्लस एन बाई टू माइनस सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इनटू एच विड्थ ऑफ द टाइम इंटरवल। तो पहले मीडियन क्लास पता करना पड़ेगा, तो जो 100 फिगर आई है इसका एन बाई टू करते हैं जो कि 50 है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं 50 कहाँ फॉल कर रहा है, तो देखा कहाँ फॉल कर रहा है, फॉल करने का मतलब जिससे कम हो और छोटे से बड़ा हो, तो 23 से चला गया इसके अंदर फॉल किया, 37 से बड़ा है 50 और 63 से छोटा है तो इसी के अंदर आएगा। ये हमारा कौन सा क्लास हो गया, ये मीडियन क्लास हो गया हमारा, दिस इज द मीडियन क्लास। अब अगर ये मीडियन क्लास हो गया तो वैल्यू लिखते हैं, ये मीडियन क्लास हमारा निकल आया, एल मतलब लोअर लिमिट, 35.5 होती है लोअर लिमिट एल, सी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, इससे पहले वाली 37, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 26, ठीक है, और उसके बाद इंटू एच, क्लास विड्थ कितनी है 5 की इंटू 5, इसको कैलकुलेट किया ही वैल्यू आ गई 38, हमको मीडियन मिल गया, पहला स्टेप हुआ कि मीडियन हाथ में आ गया। अब अगली वैल्यू मिड वैल्यू वगैरह इसकी लिखनी थी, वो हमने लिख ली एक्स आई माइनस एम, एम यहाँ 38 निकाल चुके हैं हम लोग यहाँ, ये अब देखिए एक्स आई क्या है मिड वैल्यू इसकी 18, तो 18 माइनस 38 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू में 20, इस तरह सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, हमको असल में चाहिए ये था, तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीडियन, और इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिए, 20 है ये फ्रीक्वेंसी 5 है, 5 × 20 100, 6 × 15 90, ये सारी वैल्यूज लिख ली और इनको भी ऐड कर लिया, ये समेशन है किसका, एफ आई एक्स आई माइनस एम का, ये चाहिए हमको। अभी जो फॉर्मूला होता है मीन डिविएशन अबाउट मीन अबाउट मीडियन निकाल रहे हैं, तो ये समेशन एफ आई एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स आई माइनस मीडियन, ये वैल्यू आई 735 और समेशन एफ आई कितना है 100, तो ये वैल्यू 735 अपॉन 100 हो गई और ये रिजल्ट क्या प्रोड्यूस किया इसने 7.35 और दिस इज अवर आंसर। तो इस
एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चंस हैं और हमने हर वैरायटी के सवाल लगा लिया, 5 सवाल करीब लगाए होंगे, ज़्यादा लगाए होंगे, 6 लगाए, तो 5-6 सवाल लगा लिए हर वैरायटी की, तो एक्सरसाइज पूरी तरह हो जाती है। एक लगा लिया, एक आपको करना है, एक लगा लिया, एक आपको करना है, इसको कर लीजिए। और अगली बार नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अब मूव करेंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन की तरफ। अगला जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होने वाली है, कैसे पहुंचे हम लोग वहां, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, हो रही हैं, उन प्रॉब्लम की वजह से नया कुछ देखना पड़ा, और उस नए कुछ देखने में उसकी रेमेडी कैसे की, फिर तो फॉर्मूला हाथ आ ही जाएगा। ठीक, तो पहले वो समझेंगे हम लोग अच्छे से कि क्या प्रॉब्लम थी, उसके बाद कैसे उसकी रेमेडी की, और अंत में कहाँ पहुँच गए, जो एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला हमारे पास आया जिसका आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।